लो जीजा जी, आपके सारे किए कराए पर पानी फिर गया, अब क्या करेंगे? और मुझे यहाँ ऐसे बांध के कुछ मिलने वाला नहीं है। खोलिए मुझे, चलिए। पार्टनर, चलो खोलो मुझे। कि क्या दुख होगा? मेरा सारा किया कराया बिगड़ गया। जब मेरा बिगड़िया, तेरी दोनों टांगे तोड़ के भेजूंगा यहाँ से। ऐ मेरा वादा है, वीरन अंदर वाले कमरे चले आएंगे बंद कारण। जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता, कहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ वीर जी। ना जीजा जी, कुछ भी कर लो लेकिन किस्मत से आगे कुछ नहीं। कहा था ना मैंने, कुछ हाथ नहीं लगने वाला आपके, कुछ हाथ नहीं लगेगा आपके। रावि सुन, तू ये कैरी सुने ना, सबके फोन ऑन कर दे। क्या पता कब वो वकील फोन करते उनका, या वरुण फोन कर दे, कुछ कहीं से कुछ पता चल सकता है। तू सारे फोन ऑन कर दे। जी माँ। अच्छा बोला, उस होटल के कमरे में मजा आ रहा था। इतना तो मैं जिंदगी में नहीं भागा जितना इन हरमन सौम्या ने मुझे भगा दिया। वरुण जी, सुखा और उनकी फैमिली को फोन मत करना। मुझे शक है कि हरक सिंह ने उन सब पर नजर रखी हुई है। आप अपना फोन स्विच ऑफ ही रखना। ओ हाँ वकील साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो इस बच्चे को गोद लेने आने वाले हैं, वो है कहाँ पे? चुप कर। हाँ, एक मिनट। चुप हो जा। हाँ, अब आगे का बोलो। कल मिलेगा मुंबई में, हम 12 बजे की फ्लाइट से निकल जाएंगे। अरे भाई साहब, आपने इस आदमी को एक बच्चे के साथ जाते हुए नहीं? अरे भाई साहब, आपने इस आदमी को बच्चे के साथ जाते थे? नहीं। हरमन जी, इतने बड़े शहर में हम कहाँ और कैसे ढूंढेंगे सोहन को? सुना पुलिस, इस शहर की पुलिस हमारी मदद करेगी। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं 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 जी, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। वो मुझे पुलिस वैसे ही बच्चा चोर समझती है, और आप तो अभी अभी जेल से भागे। हम उनके पास जाएंगे, वो हमारी मदद नहीं करेंगे, वो बल्कि हमें जेल में डाल देंगे। हमें किसी और तरीके से सोहन को ढूंढना होगा। हरमन जी प्लीज कुछ सोचिए। जी मम्मी जी। सौम्या कहाँ है तू? बेटा सब ठीक तो है ना? कुछ पता नहीं चला है अभी तक मम्मी जी, कुछ पता नहीं चला है। और हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा है अब क्या करें हम। मैं फोन करूंगी, आपको बताती हूँ। तू, मैं थोड़ी देर में फोन करती हूँ, तू ध्यान रख। हरक सिंह जी, सुखा कहाँ है? तू दरोगा है ना, तेरा काम है पता लगाना। पता कर ला, मेरे पीछे क्यों है? वाह हरक भाई साहब, हमारे घर में घुस के मेरे पति को कमरे में कैद कर लिया, और आपकी ये कुड़ी, इसने हमारा फोन छीन लिया, आपने मेरे पति को चक लिया, और कमाल है कि आपको नहीं पता वो कहाँ है। देखिए, इस वक्त हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे घर से गायब, आपकी इस नौटंकी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अपनी इस परात को उठाओ और निकलो यहाँ से। बुआ जी, आप है ना, ज्यादा नाटक मत करिए, ठीक है? मैं जानता बाबूजी को आप लोगों ने छुपा के रखा है। इंस्पेक्टर साहब पूछिए इनसे। देखो जी, इन लोगों ने कंप्लेन लिखवाई है, इसलिए हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। ओए, सर्च वारंट है? घर मेरा थोड़ा बड़ा है, टाइम लगेगा तेरे, पूरे दिन की फुर्सत है, तो ले ले तलाशी। जा, ऐ तो शुरू कर, 50 कमरे हैं, ऐ तो शुरू कर, जा जा लला, कि नाल बटालियन ले आया है। जाओ तलाशी लो। वो चंगे से ढूंढो जी, यही है वो।
क्या करें अब हरमन जी? माता रानी, आपने एक छोटी सी खुशी दी थी, वो भी आपने इस तरह से हमसे छीन ली। प्लीज हमें सोहम लौटा दीजिए, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे माता रानी, प्लीज। साहब हर जगह देखा, सुखा किधर भी नहीं। ओवे दिल्ली ग्रामा तेरा तबादला, चल निकले तू। चले जी। सुनैना, मैं जानती हूं कि तू ये जानती है कि तेरा पति यही है हमारे पास। अब मैं चाहती हूँ कि तू एक और बात अच्छी तरह से जान ले कि जब तक मेरे बच्चे सही सलामत सोहम को लेकर मेरे पास मेरे इस घर में नहीं आ जाते, तेरा पति भी घर नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चंडीगढ़ जाना चाहिए। हम दोनों में से कोई एक भी साथ रहेगा तो उनकी मदद हो जाएगी, तसल्ली रहेगी हमें भी और उन्हें। एक मिनट, हरमन सौम्या गायब है मतलब? फोन दीजिए आप अपना। क्यों? वो वरुण को कॉल करना है मुझे। थैंक यू। नंबर उठाओ, उठाओ, उठाओ। हेलो, हाँ वकील साहब, ग्यारी बात कर रहा हूँ। ये दरोगा साहब का फोन है। हरमन सौम्या गायब है और वरुण लोगों के पीछे भागा था ना बच्चा लेने के लिए। वरुण का फोन नहीं लग रहा है, आप बता सकते हैं कहाँ है ये सब? हाँ, वो चंडीगढ़ में है। अच्छा, थैंक यू। यो यार, चंडीगढ़ में दरोगा साहब, फिर तो दोनों बच नहीं पाएंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके। हरमन जी, सोहम, हरमन जी, सोहम जी, थैंक यू। चलिए चलिए वकील साहब, चलिए। सोहम, जल्दी चलो, जल्दी चलो। भाई साहब, वो जो आदमी बच्चे के साथ था, वो कहाँ गया है? भैया प्लीज प्लीज बताइए, वो हमारा बच्चा लेकर भागा है, जल्दी बताइए कहाँ गया है वो? वो बोल रहे थे एयरपोर्ट जाना है, बड़े हड़बड़ी में थे, 12 बजे की मुंबई की फ्लाइट है, बोल रहे थे जल्दी चलो, जल्दी चलो। भाई साहब सुनिए प्लीज प्लीज, आप हमें एयरपोर्ट तक छोड़िए ना, प्लीज प्लीज, हम आपको जितने पैसे होंगे हम आपको देंगे, प्लीज हमें यहाँ से लेकर चलिए प्लीज। ऐसा मत बोलो बहन जी, अगर हमें मालूम होता ना कि वो लोग चोर है तो उन्हें सीधे थाने ले जाते। आप लोग बैठो, ए छोड़ के आने। विंडो पांच नीचे करो, पांच नीचे। जाना है तो इसे
रुक जा हरमन सिंह, असी तो टाइम इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, वो हमारे बेटे को लेकर जा रहा है, वो दूर चला जाएगा, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें रोक नहीं दीजिए उसे, प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर, वो हमारा बच्चा लेकर भागा, हमारा उसके पीछे जाना जरूरी है। मैंने पट्टी ना पड़ा, तेरी बीवी बच्चा चोर है और तू जेल से भागा है। नहीं अभी अभी आपको हम कैसे समझाएं, प्लीज अभी हमें जाने दीजिए प्लीज। हरमन सिंह रुक जा, नहीं तो गोली चला दूंगा। इतनी फिकर और तुझे तो बच्चा चोरी करके भागने में शर्म नहीं आती इतनी? अरे आपसे किसने कह दिया, वो हमारा बच्चा है और हम अपने बच्चे को चुरा कर लेकर जाएंगे। अरे वो लोग हमारे बच्चे को चुरा कर लेकर जा रहे थे, हम उनके पीछे भाग रहे थे, आप उनको जाकर पकड़िए ना, छोड़िए मुझे, हद होती है, छोड़िए। क्या हुआ डॉक्टर जी? अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, दोनों गोलियां हमने निकाल दी है, खून बहुत ज्यादा बह गया है इसलिए वो बेहोश है, हालत भी अभी बहुत क्रिटिकल है। सौम्या कहाँ है तू? बेटा सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हो? मम्मी जी देखिए ना, हरमन जी वहां कहाँ है? हरमन ऑपरेशन हो गया, ठीक है वो? अभी तक बेहोश है, डॉक्टर कुछ साफ साफ कह नहीं रहे, और वहां वरुण लेकर बहुत दूर जा चुका है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, उसे जिंदगी हाथ से निकलती जा रही है। एक मिनट, कहां गया वरुण सोहम को लेकर? वो मुंबई लेकर गया, अब यहाँ हरमन जी इस हालत में है और वो सोहम को लेकर चला गया, मैं क्या करूं, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। संभाल अपने आप को, माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी। हाँ मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तू बैठ बैठ, तू अभी इसी वक्त चंडीगढ़ के लिए निकल जाइए, हरमन को गोली लगी है अस्पताल में।
गोली लगी है। गोली लगी है मेरे शरण, किसने मारी गोली? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ, सब सब ठीक है, बस आप आ जाइए। ठीक है। तू जा मुंबई जा, तू सोहम को ले आ, मैं हूँ यहाँ, जा तू। लेकिन मम्मी जी, हरमन जी को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मैंने कहा मैं हूँ यहाँ अपने बच्चे के पास, तू अपने बच्चे के पास जा। लेकिन इतने बड़े शहर में मैं सोहम को कहाँ ढूंढूंगी? मुझे अब एक माँ को ये पता ना होगा कि वो अपने बच्चे के पास कैसे पहुंचेगी। तू कर लेगी, एक माँ है तू। ऐ कहीं नहीं जा सकती है मैडम जी, वांटेड है, यहां से सीधे निकल के पुलिस थाने जाएंगी। भाऊ जी आप जाइए, इन्हें मैं देख लूंगी। भाऊ जी भरोसा रखिए, आपके दोनों बच्चे आप पर ही गए हैं। वहां हरमन पूरी कायनात एक करके अपने बच्चे को पाने के लिए लड़ रहा है, तो यहाँ आपकी बेटी भी किसी से कम नहीं है। भरोसा रखिए बाबू जी, जाइए आप, हरमन को वहां आपकी ज्यादा जरूरत है। और रही बात इनकी, तो इन्हें मैं ही संभालूंगी। आप जाइए बाबू जी। अब मैं बोलूंगी तो ये मत बोलना कि बोलती है, कि सपने में भी यहां से आजाद होने की सोचना मत। रिश्तों का ख्याल नहीं करूंगी, चीर डालूंगी। मैडम जी आपके कहने पे जाने दें, मुंबई माया नगरी है, अरे बहुत बड़ा शहर है वो, वहां जाके गायब शायब हो गई तो कानून कहाँ ढूंढता फिरेगा इन्हें, आराम न जाने दे सकते हैं। ये कहीं नहीं भागेगी, ये बस अपने बच्चे को लेकर आएगी, और जैसे ही सौम्या सोहम को लेकर आएगी मैं इसे आपके पास ले आ जाऊंगी, आप चाहे तो मैं लिख कर दे सकती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैडम जी सास का लिख देना कानून के लिए काफी नहीं होता। और मैं भी लिख के देने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहब, और मैं इसकी सास भी नहीं, काफी देर से देख रही, सवाल ममता का है, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये औरत झूठ नहीं बोल सकती। मैं भी इसकी सास नहीं हूँ, पर मैं भी लिख कर दे सकती हूँ। बहन जी आप एक पेपर में लिख के दे दीजिए और हम सब साइन कर दें। हाँ, हम सब साइन करेंगे। एक मिनट, सुनिए, एक पेपर मिलेगा जी। शुक्रिया बहन जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आप जाओ और अपने बच्चे को ढूंढ लाओ।